आज दिनांक 28 जून 2021 को धौलपुर कलेक्ट्रेट के बाहर चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी। रामेश्वर हत्याकांड ग्राम अब्दुलपुर थाना कंचनपुर तहसील बाड़ीचाकी धौलपुर, जिसको करीब 1 महीना 29 दिन हो चुके हैं और अभी तक सारे बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे मृतक के परिवार जनों में भय व्याप्त है। लोगों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम धरने पर रहेंगे। मृतक की पत्नी ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं यहीं बैठी रहूंगी, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। पुलिस प्रशासन भी अब मिलने आया। कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव अब्दुलपुर के समाज के जाटो समाज के लोग आए हैं और कलेक्ट्री पर धरना दे रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मैं कन्हैया लाल माथुर, जिलाध्यक्ष भीम आर्मी धौलपुर से हूँ। मैं चाहता हूँ कि समाज के लोगों को न्याय मिले, जो दोषी हैं उनको शीघ्र पकड़ा जाए। जो हमारी मांग है प्रशासन जल्दी से पूरा करे। अगर ऐसा नहीं किया तो आज मैंने समाज को 4 बजे के लगभग ये अपना मांग पत्र सौंपा है और इनके समाज के लोगों से कहा कि आप साथ रहो, भीम आर्मी तुम्हारी लड़ाई लड़ेगी। अगर हमारी जिला लेवल पर नहीं जुड़ेगी, प्रदेश लेवल पर होंगे, राष्ट्रीय लेवल तक धरना चलता रहेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि शीघ्र यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी इस मामले को निपटाएं, नहीं फिर आर पार की जंग होगी, हम न्याय मिलने तक डटे रहेंगे। अभी आपको कितने दिन हो गए? अभी 4 दिन हो गए। क्या नाम आपका? ये धरना क्यों कर रहे हो आप यहाँ पर? मेरे आदमी की हत्या चार किया है काम के ठाकुर, तो मैं बाबा पे बैठी हूँ, दोनों मेरे कछु अत्याचार कर नहीं पकड़वा में अत्यार तब तक नहीं होगी और जान बनाऊ जान दे पाऊंगी। R9 भारत के लिए नरेश शर्मा की रिपोर्ट, धौलपुर राजस्थान से। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण कंग सिद्धू ने बताया कि मनोहर थाना में 16 जून की रात को विधवा महिला कांतिबाई मेहर के घर अज्ञात बदमाशों ने नकाब जनी कर महिला के साथ मारपीट कर घर में जमीन में गाड़ रखे 11 लाख रुपए व चांदी के जेवर लूट कर फरार हो गए थे। इसके बाद वृत्ताधिकारी रणवीर सिंह व थानाधिकारी अजीत मेघवंशी को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश देने के बाद मनोहर थाना की गठित पुलिस टीम ने वारदात के बाद से ही लगातार प्रयास करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये 3 अभी भी फरार है। वारदात में लूटे लाखों रुपए व चांदी के जेवर की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। वहीं इस मामले में लूट की पूरी योजना का चक्रव्यूह सगी देवरानी के द्वारा रचाया गया। आपको ठीक है, आज जैसे आपको ध्यान ही है कि मेरा आज यहाँ का विजिट का पर्पस है कि एक बड़ी वारदात जो मनोहर थाना क्षेत्र में हुई थी उसका खुलासा हम लोग कर रहे हैं। 16/6 को एक महिला है जिनका श्रीमती कांतिबाई मेहर, वो यहाँ भरोहर थाना कस्बे की ही रहने वाली है। उनके घर से जेवर और पैसों की चोरी हुई थी और जैसे कि पहले कुछ इस तरीके के इनपुट से ये बंदूक की नोट पर रखी गई, तो इस वारदात का खुलासा करते हुए हम लोगों ने 7 अभियुक्त को अभी गिरफ्तार कर लिया है। और जिस प्रकार से हमें पता चला है, इसमें जो हमने जाँच करी है अब तक की, उसमें ये सामने आया है कि बंदूक तो नहीं यूज करी गई थी इसके लिए, पर इसमें जो ये श्रीमती कांतिबाई हैं, इनकी खुद की देवरानी है श्रीमती माया देवी, ये उनके द्वारा सारा षडयंत्र रचा गया था। उनके जानकारी थी कि इनके रिसेंटली प्रॉपर्टी का कुछ बेचान हुआ था जिस वजह से इनके पास कुछ कैश था, इस चीज़ की जानकारी इनको थी माया देवी को। इन्होंने अपने साथ इन्हीं का जो पहले एक पड़ोसी रह चुका है ओम प्रकाश उर्फ फटिया, उसको यूज करते हुए साथ में इन लोगों ने और एमपी के बदमाशों को यूज किया है, जिसमें कि अभी हमारे पास राजू बूरा पंकज तवर दयाराम और रामसागर तवर को हमने पकड़ लिया है। इन लोगों ने मिल के षडयंत्र करके ये वारदात करी थी। इनको ध्यान था कि कहाँ पे पैसे रखे गए हैं, वहाँ पे उन्होंने उसी तरीके से रात को अटैक करते हुए ये कर लिया। तो कुल मिला के जो हमारी जाँच है उसमें 10 लोगों का नाम आया है और उसमें से 7 को हम अरेस्ट कर चुके हैं और बहुत ही जल्द इनसे हम रिकवरी भी जितनी हो सकती है हम कर लेंगे। अभी तक कितनी रिकवरी है? अभी रिकवरी इनको हम लेके ही आए हैं, जल्द ही रिकवरी हो जाएगी, उसकी सूचना भी आपको दे दी जाएगी। इसके साथ साथ जो एक दूसरा और मामला है वो डांगीपुरा थाना का है। डांगीपुरा थाना क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल चोर है मोहन उर्फ मोमनिया, ये जाति भील है और निवासी हलोतिया लोढ़ार का है। इससे 3 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है जो कैथून थाने से चोरी गई थी और इसके साथ भी हमने 8 आदमी और
हम लोगों की जांच में आए हैं, जो हमारे हिसाब से ये चोरी के एक बड़े गैंग है, इन पे और वर्क करेंगे तो हमें उम्मीद है कि जल्द इसमें और भी खुलासा हो जाएगा। मैडम, मनोर थाना में लगातार चोरों की वारदात चल रही है ना, तो यहाँ पर पुलिस पर जो है वो कमी महसूस रहती है, नाइट गश्त भी पूरी नहीं हो पाती है? देखिए, बल की कमी पूरे जिले में ही कम चल रहे हैं, हमारे शॉर्टेज है, बट अवेलेबल रिसोर्सेज में जो बेस्ट पॉसिबल है वो पुलिस कर रही है। और जैसे कि ये बड़ी वारदात अभी रिसेंट पास्ट में जो हुई थी उसका खुलासा भी हमने कर दिया है, और रात्रि गश्त को और भी सुदृढ़ कर रहे हैं, जितने होमगार्ड जाते हैं यहाँ पर, तो आईएसी का बल भी और दिया गया है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की नाकाबंदी भी चल रही है, कोविड रिलेटेड भी हम उस पर काम कर रहे हैं, बट फिर भी जो अपने पास जाब्ता अवेलेबल है उसमें बेस्ट ड्यूटी करते हुए यही कोशिश रहेगी कि कंट्रोल अंकुश भी लगे और जो वारदात होगी उसको जल्द से जल्द हम खोल भी लें। मैडम, यहाँ पुराना थाने में घरवासी लगातार चौकी की मांग करता है, तो अभी तक चौकी नहीं बनी या वन वे का मांग कर रहे हैं, तो प्रपोजल गया हुआ है मनोहर थाने के लिए, प्रपोजल गया हुआ है, ये PHQ से सेंक्शन होता है, हमारे यहाँ से प्रपोजल भेज दिए गए। R9 भारत के लिए भगवान सिंह रजावत की रिपोर्ट झालावाड़ से।